गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 20,000 रुपए का गेमिंग कोडिंग और प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड। यानी कि एक ऐसा पीसी होने वाला है कि आप लोग अगर इसको चलाओगे तो मज़ा तो आप लोगों को आ ही जाएगा, उसी के साथ साथ आपकी जेब को भी मज़ा आ जाएगा। एकदम परफेक्ट, बजट फ्रेंडली और बिना कोई दिक्कत देने वाला ये पीसी बिल्ड हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे। कभी भी आप लोग मार्केट में लैपटॉप लेने के लिए जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके पसंद के स्पेक्स हैं वो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिल पाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग एक बेटर जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करना चाहते हो तो लैपटॉप्स में आने में टाइम लग जाता है। उसी के साथ साथ जो सिमिलर स्पेक्स होते हैं वो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं लैपटॉप के केस में, क्योंकि लैपटॉप में पोर्टेबिलिटी की एडवांटेज होती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो ये चीज़ आप लोगों को अपने पसंद के स्पेक्स वाले पीसी में कोडिंग, गेमिंग या जो भी काम आप करना चाहते आते हो वो करने से ना रोक सके, इसीलिए हम लोग इस पीसी बिल्ड को बनाएंगे। जल्दी से कंपोनेंट्स की यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा प्रोसेसर से। ये है हमारा इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर, 9th जेन का प्रोसेसर है। आप में से कई लोग कहोगे यार एनीवे 10th जेन का आ गया प्रोसेसर, 9th जेन में क्या कर रहे हो। ये मुझे सस्ता पड़ गया, पॉइंट ब्लैंक पीरियड सस्ता पड़ गया, बहुत सस्ता पड़ गया ये मुझे, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। जितने भी लोगों ने 10th जेन का i3 प्रोसेसर खरीदा था मैंने उनसे बात करी और i3 9th जेन, i3 10th जेन में हाँ ऑब्वियसली 10th जेन बेटर है, बट जब बात आती है कॉस्टिंग की वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। ये अपने प्राइस को 9th जनरेशन के साथ आने वाला ये i3 बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया मार्केट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड में मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है MSI का H310M M2 प्लस जो LG1151 सॉकेट के साथ आता है। यानी कि आप लोग इसमें 9th जेन का इंटेल i3 प्रोसेसर लगा सकते हो, 8th जेन का भी लगा सकते हो, मैं 9th जेन का यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसके क्या ब्रेकअप हैं कंपोनेंट्स के उसकी बात अभी आगे करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पीसी को हम लोग जल्दी से जल्दी बिल्ड करें। ग्राफिक कार्ड की अगर बात करूँ तो मैंने ये जोटैक का 1030 ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगाया हुआ है। ये 1030 ग्राफिक कार्ड 710 से कई गुना बेटर है, बट यहाँ पर आपकी जो मॉडर्न ग्राफिक कार्ड्स हैं जैसे कि अगर आप 3090 3080 की बात कर लो ऑब्वियसली उनसे अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट में पीसी बिल्डिंग की, तो यहाँ पर हम लोग 1030 से ऊपर देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस पोजिशन में रखा है कि आप लोग 710 के नीचे भी ना देखें, यानी कि अब आप 1030 पर देख रहे हैं। 1030 ग्राफिक कार्ड हम लोग इसमें लगाने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्टिविटी टास्क आप लोग करवा देगा, वीडियो एडिटिंग हो, गेमिंग हो, सब कुछ करवा देगा। दिस इज सफिशियंट और आपको मजा आने वाला है गिवन द कंपोनेंट्स, बाकी के जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज में मैंने इस्तेमाल किए किंगस्टन की सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, और आज की तारीख में अगर आप लोग मुझसे कहते हो कि SSD लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए तो ना लगाने जाने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है ना लगाने का SSD को। इसका रीज़न ये है कि SSD एक तो मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही है आजकल, और उसी के साथ साथ जो परफॉर्मेंस बूस्ट की SSDs आपको देती है ना, कमाल का होता है वो। तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग लगा ही लो यार SSD को, 120 GB की तो कम से कम लगा ही लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पावर सप्लाई में कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। ये जो पावर सप्लाई है ये मैंने खरीदी है 500 रुपये की। अब आप लोग 500 रुपये की पावर सप्लाई 500 वाट की, ये एंटर की 500 रुपये की मुझे मिल गई, और 500 की पावर सप्लाई आप लोगों को अगर सस्ती लग रही है तो आप लोग लोकल मार्केट में जाओगे तो आप लोगों को कैबिनेट और पावर सप्लाई दोनों का एक कॉम्बो मिल जाता है 1000 रुपये के आसपास का। यहाँ पर मुझे एक चैलेंज झेलना पड़ा जो कि ये है कि इसमें आप लोगों को AC पावर देनी है, और AC पावर देने के लिए इन्होंने केबल नहीं दिया है, तो वो केबल मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, कैसे जुगाड़ करूंगा देखना इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा रैम की, तो रैम के लिए मैंने इस्तेमाल करी है क्रूशियल की 8 GB की DDR4 2400 MHz की रैम। रीज़न बींग यार ये मुझे सस्ती मिल गई, मैं यहाँ पर ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, मैं फालतू को ये ऐसी मार्केट से स्टिक भी नहीं उठाना चाहता था जो कि फेल हो जाए फ्यूचर में। ये वारंटी के साथ भी आती है और उसी के साथ साथ क्रूशियल एक बहुत अच्छा ब्रांड भी है। मैं अपने लैपटॉप में मैंने अपग्रेड की थी क्रूशियल की रैम एंड इट वर्क जस्ट फाइन। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको चलाते हुए क्रूशियल की रैम जो कि मैंने अपग्रेड करी थी अपने लैपटॉप में, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इट परफॉर्म्ड। तो हम लोग क्रूशियल की 8 GB की रैम यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक बिगिनर पीसी बिल्डर है, आप लोग कहेंगे कि यार ये 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 इन सबको असेंबल कैसे करेंगे, फिर आपका जो कैबिनेट है उसमें बहुत सारे तार यहाँ पर निकल रहे होते हैं, और आप लोग कहोगे कि यार ये इतने सारे तार वगैरह कैसे जोड़ने हैं, ये पावर सप्लाई के इतने सारे तार कौन सा किस में घुसेगा, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन
बिल्ड कर देते हैं एक पीसी बिल्डर के दिमाग में। इसलिए अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सीपीयू को इंस्टॉल करना है, कैसे स्टॉक कूलर को इंस्टॉल करना है, फिर ये कैसे रैम इसके अंदर यहाँ पर इंस्टॉल करनी है, ये सारी बातें अब हम लोग करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट टू बिजनेस, पीसी बिल्डिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं MSI का H310M मदरबोर्ड ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो हमारी पहली स्टेप होगी उसके अंदर हम मदरबोर्ड को टेबल के अंदर ले आएंगे और उसके बाद उसमें प्रोसेसर और रैम को इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास i3 का यहाँ पर प्रोसेसर है जिसको मैं जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ और इसको बाहर निकाल कर आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है। ये रहा हमारा चमचमाता हुआ कोर i3 प्रोसेसर, अब इसको चलो यार इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड जो कि मैंने रख दिया है एक फ्लैट टेबल पर, और मेरे हाथ में ये सीपीयू है जो कि जाने वाला है सामने दिखने वाले इस सीपीयू सॉकेट के अंदर। तो इस सीपीयू सॉकेट को मैं जल्दी से खोल देता हूँ और सीपीयू को अपने हाथ में ले लेता हूँ। सीपीयू को आप लोग यहाँ पर इनकी पिंस को देख सकते हैं, जो सीपीयू है उसको हमको यहाँ पर सेट करना है, और इसको सेट करना बिल्कुल आसान है। ऐसा इसलिए कि जो सीपीयू है उसके एक एंड में एक डार्क ट्रायंगल बना होता है। आप लोग अपने सीपीयू में गौर करके देखना, आपके सीपीयू के लोअर पोर्शन में एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों ने करना क्या है कि वो ट्रायंगल को इस मदरबोर्ड में बने हुए ट्रायंगल से मैच कर देना है, और इस सीपीयू को एकदम इस तरह यहाँ पर आप लोगों ने रख देना है और थोड़ा सा हिला के भी देख लेना है। सीपीयू सॉकेट में एकदम सेट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब कुछ खुद से फिगर आउट कर ही लोगे। इसके बाद आप लोगों को इसके ढक्कन को बंद कर देना है और ये ब्लैक कलर का ये जो ढक्कन हो रहा है इसको हटा देना है साइड में। तो यहाँ पर आपका मदरबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग इस रैम को देख सकते हैं, मैं इसको इसके डब्बे से बाहर निकाल कर रैम स्लॉट में लगा दूंगा। आपके मदरबोर्ड में दो रैम के स्लॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर रैम को निकाल कर इसके एक स्लॉट में लगा दूंगा। आप किसी भी स्लॉट में लगा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड्स जो हैं आजकल मॉडर्न वाले वो डिटेक्ट कर लेते हैं आप किसी भी स्लॉट में लगाएं, लेकिन आप फर्स्ट वाले स्लॉट में लगाएं तो बेटर रहेगा। फर्स्ट वाला स्लॉट कौन सा है ये आप लोगों को AB या फिर 1 2 करके आपके मदरबोर्ड में वो मार्क होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि बिगिनर पीसी बिल्डर्स बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि आप लोग रैम को अंदर दबा कर नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, मैंने भी ये गलतियाँ पास्ट में की हुई हैं। रैम को पूरी ताकत से अंदर घुसा देना है, वो फिट हो जाए, सेट हो जाए अंदर, और उसके बाद आप लोगों को उसके ढक्कन को बंद कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। एट दिस स्टेज हमने CPU और रैम लगा लिया है, अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे सीपीयू के फैन को। ये सीपीयू फैन के अंदर थर्मल पेस्ट लग के आता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि इसमें जो लगा हुआ थर्मल पेस्ट है वो आपके हाथों में ना लगे। तो इसलिए इसके सेंटर वाले पार्ट को बिल्कुल भी आप लोगों को टच नहीं करना है। इसको आप लोग निकालें फैन को, और इस फैन को निकाल के आपको बड़े आराम से इसके ऊपर रख देना है सीपीयू के ऊपर। तो सीपीयू में थर्मल पेस्ट जो है वो लग कर आता है। अब हम लोग इस सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर इसके जो चार स्क्रू हैं उनको मदरबोर्ड में दिए हुए सॉकेट्स के अंदर घुसेड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर इस फैन को बड़े आराम से रख देना है सीपीयू के ऊपर, और इसके बाद ये जो आप लोगों को चार स्क्रूज दिख रहे हैं ना चारों तरफ, इनको आप लोगों ने जेंटली प्रेस करना है और ये मदरबोर्ड के अंदर बड़े आराम से फिट हो जाएंगे। आपको सिंपली प्रेस करना है। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये चीज़ आप फिगर आउट कर ही लोगे जब आपका मदरबोर्ड और आपका सीपीयू फैन आप लोगों के हाथ में होगा। तो अब आप लोगों ने जो इसका केबल है सीपीयू फैन का उसको लगा देना है सीपीयू फैन वाले सॉकेट के अंदर, और ये बड़े आराम से प्यार से फिट हो जाता है। ये करने के बाद हमारे पास सीपीयू, रैम और मदरबोर्ड के अंदर ये सीपीयू फैन लगकर रेडी हो गया है। अब आपके पास जो भी केस है आप उस केस के अंदर इसको फिट करेंगे, और उसके बाद सारे के सारे केबल्स को पावर सप्लाई से और उसी के साथ साथ कैबिनेट से आने वाले तारों से कनेक्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने कैबिनेट को लिटा दिया है और ये पावर सप्लाई को मैं कैबिनेट के ऊपर वाले पोर्शन में डाल रहा हूँ ताकि इस पावर सप्लाई को यहाँ पर मैं फिट कर सकूँ, और इसको फिट करने के बाद इसके तारों को यूज़ करके मदरबोर्ड में पावर दे सकूँ। इसको एकदम सेट करने के बाद मैं इसके सारे के सारे स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आयो शील्ड को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दूंगा और इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर डाल दूंगा। जैसे ही मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर डालूंगा तो यहाँ पर इसके स्क्रूज, ये चार जो आप लोगों को दिख रहे हैं,
इनमें मैं इसको बड़े आराम से फिट कर पाऊंगा। अब आप लोग को ये जो ATX पावर केबल दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला केबल जो पावर सप्लाई में से निकल रहा है, इसको आप लोगों को लगा देना है अपने मदरबोर्ड के ATX सॉकेट में। इस तरह से ये फिट हो जाएगा, सबसे बड़ा आप लोगों को मदरबोर्ड में कनेक्टर दिख जाएगा और वो आप लोग इसके अंदर लगा देना। स्टोरेज में हम लोगों ने ये जो किंगस्टन की SSD ली है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को SATA केबल लगाना है जो कि इस मदरबोर्ड के साथ आता है। इस SATA केबल को लगाने के बाद आप लोगों को कनेक्ट करना है इसको SATA कनेक्टर में, जो कि आप लोगों को मदरबोर्ड में मिल जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। आप इसको यहाँ पर बड़े आराम से कनेक्ट कर देना और इसके बाद पावर के लिए आप लोगों को एक पिन कनेक्ट करनी पड़ेगी इस हार्ड डिस्क से, जो कि आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने हार्ड डिस्क एकदम सेट कर दी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर साइड में डाल देंगे और केबल मैनेजमेंट वगैरह बाद में देखा जाएगा। एक बार PC स्टार्ट हो जाए और उसकी खुशियाँ हम लोगों को मिल जाए, केबल मैनेजमेंट तो ज़िंदगी भर करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपके कैबिनेट से पावर LED प्लस और पावर LED माइनस के केबल निकल रहे होंगे। आप लोगों को इसको JSP1 के अंदर लगाना है अपनी मदरबोर्ड के मैनुअल के हिसाब से। उसी के साथ साथ यही काम आप लोगों को पावर स्विच के साथ करना है और यही काम आप लोगों को HDD LED प्लस और HDD LED माइनस के साथ भी करना है। तो मेरे मदरबोर्ड के मैनुअल के हिसाब से जब मैंने ये सारी केबल्स को कनेक्ट किया तो मेरा मदरबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर CPU का पावर केबल लगा दूंगा पावर सप्लाई से, जो कि निकल रहा है अपने मदरबोर्ड में, जो कि CPU को पावर देगा। और ये जो HD ऑडियो का केबल आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं मदरबोर्ड के ऑडियो सॉकेट के अंदर लगा दूंगा कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैं ये USB वाला जो केबल है वो यहाँ पर लगा दूंगा और उसी के साथ साथ कैबिनेट से निकलने वाले USB केबल को यहाँ पर USB सॉकेट में लगा दूंगा कुछ इस तरह से। ये JUSB1 आपको दिख रहा है ना, बस यहीं पर इसको लगाना है। इसके बाद ये जो SATA पावर केबल आप लोगों को दिख रही है, ये हम लोगों को पावर सप्लाई से निकलने वाली SATA केबल में लगाना है। ये सिंपली आप लोगों की LED को पावर देगी। कैबिनेट में मेरे RGB लाइट्स हैं, उसको पावर चाहिए और वो SATA के पावर सप्लाई केबल से पावर लेगी। अब मेरी रैम जो थी उसको मैंने अपने मदरबोर्ड में से पहले निकाल दिया था, मैं इसको वापस से लगा देता हूँ जल्दी से। आप लोग इसको पहले से लगा कर भी मदरबोर्ड डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अभी जो ग्राफिक कार्ड है इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे PCI Express X16 स्लॉट के अंदर। और ये जो मेरा ग्राफिक कार्ड है इसको मैं जल्दी से इसके स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ। ये आराम से बड़े प्यार से फिट हो जाता है अपने स्लॉट में। तो आपको सिंपली इसको लगा देना है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है, इसको दबा कर कम्फर्टेबली फिट कर देना है और बिलीव मी ये बड़े प्यार से अपनी जगह पर बैठ जाता है। एट दिस पॉइंट आपका मदरबोर्ड और जो आपका कैबिनेट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। जो मेरी पावर सप्लाई है उसके साथ बिल्कुल भी कोई कॉर्ड नहीं आई कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मुझको बाजार से जाकर 30 रुपये का कनेक्टर लाना पड़ा, वायर्स लाने पड़े, ब्लेड से मैंने कुछ इस तरह से बनाया अपना जुगाड़ इस पावर सप्लाई को पावर देने के लिए। और उसको भी जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये सारा काम कैसे हमने किया। हालाँकि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये काम तो किया होगा, मैं तो रोज़ के बेसिस पर करता रहता हूँ इस तरह के काम। इसको एकदम मैंने सेट करके टकाटक कर दिया, दोनों साइड से मैंने प्लग्स को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जैसे ही आप खोलेंगे अपने कंप्यूटर को तो आपको ये BIOS की स्क्रीन दिखेगी और यहाँ से आप लोग अब अपने कंप्यूटर में विंडोज़ डाल सकते हैं, बूटेबल डिस्क बनाएं। बूटेबल डिस्क बनाने के बाद आप लोग विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका प्रोसीजर होता है। मैंने यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल कर ली है, अब मैं इसमें जल्दी से OBS डाल लेता हूँ। OBS से क्या होगा कि मैं आप लोगों को इसके अंदर की स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा पाऊंगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS इंस्टॉल हो चुका है। जल्दी से गूगल पर चलते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पर आकर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ये डाउनलोड होगा मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और सारे के सारे प्रॉपर सेटअप्स के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो मुझे बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा है। कुल मिला के वर्डिक्ट ये है, मैंने ऐप भी रन करके देखी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को 0 से लेकर 100 में रेट करूं तो मेरा एक्सपीरियंस 83 का है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये दे रहा है मुझे। लेकिन हम लोगों को इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ये बहुत ही चीप PC बिल्ड है, ये कोई 2-3 लाख रुपए का PC बिल्ड नहीं है। लेकिन 20,000 रुपये में ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बिल्ड है। और गिवन दैट हमने इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगाया है, आप इसमें गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर मैं इस PC को और चलाऊँगा, अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ इसमें कमी है या कोई चीज़ नहीं हो
सकती, तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी ज़रूर डाल दूंगा, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना इस वीडियो के बाद, लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रा इसका ब्रेकअप सुनते जाओ कि कौन सा पार्ट कितने रुपए का मैंने लिया है। सो गाइस यहाँ पर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज और पावर सप्लाई की कॉस्ट को आप लोग जोड़ोगे तो ये करीब करीब 20,000 पड़ जाएगा। एग्जैक्ट कॉस्ट का ब्रेकडाउन मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दिया है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़े से पैसे और स्पेंड करना चाहते हैं तो आप स्टोरेज 240 GB की लगा सकते हैं और पावर सप्लाई और कैबिनेट का कॉम्बो आपको 1,000 रुपये का लोकल मार्केट में मिल जाएगा। बहुत आराम से ये मिल जाता है और ये कॉम्बोज ऑलमोस्ट सब जगह अवेलेबल होते हैं, तो आप ये वाला कॉम्बो उठा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद आप एक महंगा सा RGB वाला केस फ्यूचर में लगा सकते हो जो कि आप लोगों को करीब 2,000 के आसपास का मिल जाएगा। मैंने जो केस लगाया वो मुझे एक बिलियन डे पे 1,700 का मिल गया और 500 रुपये की पावर सप्लाई मिल गई, तो आप लोगों को पावर सप्लाई और केस का कॉम्बो आराम से 1,000 का मिल जाएगा। ये PC बिल्ड जो अभी आप लोगों को सारी कॉस्टिंग दिख रही है 20,000 के अंदर अंदर हुआ है, 20,000 के अंदर अंदर। मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जो मॉनिटर है वो अपने घर में मम्मी का TV है उसमें HDMI लगा कर चला सकते हो, और अगर आप लोगों के पास TV नहीं है तो यार मैं तो कहूँगा आप लोग TV पहले खरीद लो, और अगर आप लोगों को TV भी महंगा लग रहा है तो आप लोग यामा की RX 100 सेकेंड हैंड ले सकते हो। 20,000 रुपये की यामा की RX 100 आ जाएगी और आपको पूरे शहर की सवारी कराएगी, तो कंप्यूटर बिल्ड आप बाद में कर सकते हो जब पैसे होंगे, अगर आपको ये सब महंगा लग रहा है तो। यामा की RX 100 बड़ी अब बहुत धमाकेदार चलती है, सेकेंड हैंड आप लोग को मॉडिफाइड मिल जाएगी 20,000 रुपये की। खैर मजाक की बात है वो साइड में करते हैं, और ये जो PC बिल्ड है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी गेमिंग वगैरह करूँगा, थोड़ा सा इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो, VS कोड और ये सब चीज़ें चलाऊँगा, और मे बी जो फ्यूचर के वीडियोज़ कोई ट्यूटोरियल वगैरह है वो इसमें रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूंगा, और फिर वहाँ पर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस इसकी आती है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं शेयर करूंगा इसके अपडेट्स फॉर श्योर। तो अगले 2-4 दिन में आप मेरे इंस्टाग्राम को जो है थोड़ा बहुत टटोलते रहना, उसमें कुछ जानकारी स्टोरीज वगैरह में आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी देखने को। ये ओवरऑल PC बिल्ड आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, मैंने एकदम बजट में रखते हुए पार्ट्स को लगाया है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें मैंने खरीदी हैं, बिग बिलियन डेज और इन सब चीज़ों को मैंने दिमाग में रखा है कि कब ऑफ़र आ रहे हैं। अगर आप लोग किसी ऐसे टाइम पर हैं कि दिवाली होली पास में है तो आप लोग ऑफ़र्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें खरीदें, अगर आप लोगों का बजट जो है बिल्कुल टाइट है तो। और आप लोगों को 20,000 में बहुत धमाकेदार PC देखने को मिल जाता है, सब काम उसमें आपके हो जाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मैंने अपने लैपटॉप वाले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक 20,000 का PC हम लोग बिल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि लैपटॉप सारे हमारे 30 के आसपास थे अच्छे वाले, और मैंने ही आप लोगों को बोला था कि अगर बजट 20,000 है तो PC ही बिल्ड करो, वही सबसे बेस्ट चॉइस रहती है, और बाद में आपके पास पैसे वगैरह आ जाएँ तो आप सेम PC को अपडेट कर सकते हो। जैसे इस PC की अगर बात करें तो 8 GB की एक और आप रैम की स्टिक लगा सकते हो, एक HDD इसमें लगा सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए तो मे बी आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड आप चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे आप लोग करना चाहते हो आप वो सब कर सकते हो, बट ग्राफिक कार्ड आपका पुराना बेकार हो जाएगा अगर आप लोग नया लगाओगे तो। लेकिन रैम जो अपग्रेड है रैम का और HDD का, वो अपग्रेड मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा। 8 GB की एक और स्टिक इसमें लगा लें और एक और HDD इसमें लगा लें ताकि आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर पाएँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना क्या ख्याल है आप लोगों का इस PC बिल्ड के बारे में और कौन कौन इसको बिल्ड करने वाला है। इंस्टाग्राम पे ज़रा आ जाना सब लोग, क्योंकि इसमें मैं अभी काफ़ी चीज़ें और करने वाला हूँ और अपडेट्स वगैरह इंस्टाग्राम पर ही शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।